I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पांचाली, यह वृषकेतु मेरा पौत्र, मेरे ज्येष्ठ पुत्र अंगराज का पुत्र। पौत्र, काकीश्री के चरण छूओ। प्रणाम काकीश्री। आयुष्मान भव। पांचाली, यह मेरी ज्येष्ठ पुत्र वधु पद्मावती, और पद्मावती यह है पांचाली। तुम दोनों बैठ के बातें करो, तब तक मैं वृषकेतु को अपने पुत्रों से मिलवा कर लाती हूँ। आओ पौत्र। नहीं यज्ञसेनी, मेरे चरण छूने से मुझे पाप लगेगा। क्यों दीदी? केवल आयु में बड़ा होना आके पात्र होने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे तो तुम्हारे चरण छूने चाहिए, और केवल चरण ही नहीं, मुझे तो तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। दुर्योधन की सभा में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसे सुनकर मेरा सिर लज्जा से झुक गया था। मैं जब उसका वृतांत सुन रही थी तो ऐसे लगा जैसे ये स्वयं मुझ पर पीट रही हो। ये तो एक माता, एक पत्नी, एक पुत्री का अपमान हो रहा था। मेरे स्वर्गवासी पति इस महापाप के अंश थे, ये सोचकर मैं धरती में गड़ जाती हूं। क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरे पति इस लज्जाजनक दृश्य के साक्षी थे। क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि उन्होंने उन्होंने तुम्हें गाली दी थी, तुम्हें तुम्हें वैश्या कहा था। मैं उनकी तरफ से क्षमा चाहती हूं यज्ञसेनी, क्षमा कर दो उन्हें। दीदी, क्षमा तो मुझे भी मांगनी चाहिए थी, मैंने भी तो उन्हें गाली दी। तुमने उन्हें क्या गाली दी थी? मैंने उन्हें सूत पुत्र कहा था। परंतु सूत पुत्र होना तो कोई गाली नहीं होती। सूत पुत्र कहना कोई गाली नहीं होता दीदी, परंतु गाली समझा अवश्य जाता है। हमारे समाज का यही तो दोष है कि वो पहले किसी के कार्य, किसी के व्यवसाय को उसकी जाति बना देता है, और फिर जाति को गाली। सारा जग जानता है कि हर शिशु जन्म से शूद्र होता है, कर्म से छोटा या बड़ा बनाता है। फिर भी समाज ने जाति का नाता जन्म से ही जोड़ दिया है। सारा संसार जानता है सूत सारथी होता है। सारथी होना कोई नीचता तो नहीं? स्वयं केशव भी तो अर्जुन के सारथी बने थे, फिर भी सूत होने को गाली समझा गया। ये भूल मुझसे भी हुई थी, किंतु मैं किसे क्षमा मांगू? जो क्षमा कर सकता था वो तो रहा नहीं। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी दीदी? मैं तुम्हारे विचार सुनकर अवाक रह गई हूं। पहले मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती थी, परंतु अब मन करता है कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। कदाचित ये नियति का निर्णय था, कदाचित मेरे पति और तुम दोनों नियति का रचाया खेल खेल रहे थे। यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई फांस रह गई हो, तो मैं अपने पति की अर्धांगिनी होने के नाते तुम्हें उनकी ओर से क्षमा करती हूं। तुमने उन्हें सूत पुत्र कहा था ना? यदि ना कहा होता तो क्षत्रिय होते हुए भी वो मुझ जैसी सूत पुत्री को अपनी जीवन संगनी ना बनाते। तुमने तो मुझ पर उपकार किया है यज्ञसेनी, उपकार किया है।